अस्सलाम वालेकुम, हाज़िर हो गई हूँ आपकी खिदमत में एक बार फिर से एक न्यू रेसिपी के साथ, जिसका नाम है गार्लिक मायो फ्राइज़। बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत ही क्लासी बनती है, ठीक है। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है ये रेसिपी, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप जो है वो मैंने पूरी रेसिपी आपको बता दी है, आपने अच्छे से देखनी है और ज़रूर ट्राई करनी है। फर्स्ट स्टेप में जो है वो आप लोगों ने फ्राइज़ को अच्छे से काट लेना है, बारीक नहीं काटनी, थोड़ी सी आपने मोटी रखनी है, उसको फ्राई कर लेना है। अच्छे से फ्राई हो जाए उसके बाद आप लोगों ने इसको डिश आउट कर लेना है और फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये है स्टेप नंबर 2, जिसमें 2 टेबल स्पून हमने मेयोनीज़ के ऐड करने हैं। वन हो गया, ये 2 हो गया और इसके बाद हम 1 स्पून जो है वो क्रीम ऐड करेंगे। ये हम उसके सॉस बना रहे हैं, जो गार्लिक मायो सॉस है ना वो रेडी हो रही है और उधर हमारी फ्राइज रेडी हो गई हैं। ये गार्लिक ऐड कर दिया, आपको थोड़ी बोर हो, चुप हो जाओ। ब्लैक पेपर ऐड किए, उसके बाद साल्ट ऐड कर दिया, थोड़ी सी रेड चिली डाल दी है, आप चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन ये इसका पाउडर जो है ना ये बेटर रहता है इसमें। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना, वेरी वेल मिक्स करना है। चलें ठीक है, ये अच्छे से मिक्स हो रही है, फिर ये अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। आप इसको जो हैंड बीटर है ना, आप उससे भी इसको बीट कर सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ी थी तो मैं स्पून के साथ ही कर ली। थर्ड स्टेप आ गया, इसमें हम लोग जो है वो मसाले ऐड करेंगे जो हमने अपनी फ्राइज के ऊपर डालने हैं, ठीक है। ये सॉल्ट है, मेंशन है वैसे जो इंग्रेडिएंट्स मैं ऐड कर रही हूँ वो साथ साथ मेंशन है, आप लोग नोट करें और आप लोग ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़े की बनती है। ये क्यूमिन पाउडर ऐड किया है, इसके बाद चाट मसाला ऐड कर दिया है, इनको मिक्स कर लेंगे। ये हमारा थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। चले जी, ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमने फ्राइज के ऊपर ये जो मसाला है ये स्प्रिंकल कर देना है, ठीक है। आप सारा जो मसाला है वो स्प्रिंकल करके उसको अच्छे से मिक्स भी कर सकते हैं फ्राइज को, लेकिन मैंने ऊपर ही उसको स्प्रिंकल कर दिया है और इसके ऊपर अब मैं सॉस डाल दूंगी जो गार्लिक मायो सॉस होगा। ये देखें, ये मैंने एक प्लास्टिक बैग में डाला सॉस और उसमें से होल किया छोटा सा और ये उसके ऊपर गार्निशिंग कर दी है, साथ में सॉस वैसे भी रखा हुआ है। खाएं और मज़े करें और मुझे आप लोगों ने कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को कैसी लगी। चलो जी, फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ।
ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा।